नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी मंगल और आप सभी का एस्ट्रो तक में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, एस्ट्रो तक एक बहुत ही खास चैनल है। लाखों लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। आप भी इसी प्रकार हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि नए नए विषयों की जानकारी नोटिफिकेशन के रूप में आप तक पहुंचती रहे। तो माँ कात्यायनी जी की पूजा आराधना करने का दिन है आज। गुप्त नवरात्र चल रहे हैं। इन नवरात्रों में यदि आप पूजा करते हैं तो आपको फल जरूर मिलता है। तो माँ कात्यायनी जी की पूजा का दिन है, इसलिए उनकी पूजा आप जरूर करें। राशि अनुसार हम बताएंगे कि आपको पूजा में विशेष क्या करना है। शुरू करते हैं राशियों का सिलसिला और शुरू करते हैं मेष राशि के साथ। तो पत्ते पर माँ कात्यायनी नमो नमः लिखकर माँ को अर्पित करें। अष्टगंध की स्याही से लिखें और माँ को अर्पित करें। ऐसा करके विशेष लाभ होगा। दुश्मन आपके खिलाफ साजिश नहीं करेंगे। तो दुश्मनों यदि आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं तो दुश्मनों से बचने के लिए माँ कात्यायनी जी की पूजा आराधना सच्चे मन से श्रद्धा से जरूर करें आप। और अब बात करेंगे वृष राशि की। दुश्मन का नाम लाल वस्त्र पर काली स्याही से लिखकर माँ कात्यायनी जी की पूजा करें। दुश्मनों से आपकी रक्षा होगी। और अब बात करेंगे मिथुन राशि की। ओम हरिम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें। रुके हुए कार्य आपके बनेंगे और आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। और अब बात करेंगे कर्क राशि की। माँ की पूजा गोधुली बेला में करना होता है। ओम एंग ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे इस मंत्र का जाप करें। आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। और अब बात करेंगे सिंह राशि। पांच कन्याओं को भोजन करवाकर यथाशक्ति अनुसार दक्षिणा देकर विदा करें। अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित करें। आज्ञा चक्र वह जगह होती है जहां पर आप तिलक लगाते हैं। तो माथे पर आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करें। मन आपका एकाग्र होगा और कुंडलिनी जागृत होगी। और बात करेंगे कन्या राशि। पत्ते पर माँ कात्यायनी नमो नमः अष्टगंध की स्याही से लिखें और माँ को अर्पित करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः इस मंत्र का जाप करें। कार्य आपके पूरे होंगे। और अब बात करेंगे तुला राशि की। कात्यायनी जी की पूजा के साथ साथ कृष्ण जी की पूजा जरूर करें आप। प्यार आपका सफल होगा और मन वांछित फल मिलेंगे। और अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे इस मंत्र का जाप करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें। कार्यों में विलंब दूर होगा। और अब बात करेंगे धनु राशि की। तो दोस्तों, गुप्त नवरात्र चल रहे हैं। ये ऐसे नवरात्र हैं जिनका फल जरूर मिलता है। तो आप पूजा चाहे गुप्त रूप से करें, चाहे सरेआम करें, जैसे भी कर सकते हैं करें, लेकिन श्रद्धा का होना जरूरी है। यदि श्रद्धा से भक्ति भाव से पूजा करते हैं तो इन नवरात्रों का पूरा फल आपको मिलता है। तो आज माँ कात्यायनी जी का दिन है और हम धनु राशि की बात कर रहे हैं। कन्याओं को पीली चूड़ियां प्रदान करें। ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करें। मनोकामनाओं की पूर्ति जरूर होगी। और अब बात करेंगे मकर राशि की। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इच्छाओं की पूर्ति जरूर होगी। और अब बात करेंगे कुंभ राशि की। ओम हरिम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करें। कन्याओं को भोजन करवाएं। रोग शोक संताप भय आदि दूर होंगे। और अब बात करेंगे मीन राशि की। माँ दुर्गा को सोने का आभूषण या फिर श्रृंगार का सामान अर्पित करें। गेंदे के फूलों की माला अर्पित करें। आपके कार्य पूरे होंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।